ये देखो यहाँ कितना कचरा है, लाओ मुझे झाड़ू दो। रहने दीजिए, हम कर लेंगे। इसके बाद हॉल की डस्टिंग कर लेना। हाँ हाँ, आज तो ऐसी सब्जी मिल रही कि बस ऐसा मन कर रो कि पूरी की पूरी सब्जी मंडी घर उठाना है। एकदम हरी हरी और चोया चोया सब्जी मिली है। हाँ, ठंड के मौसम में हमेशा अच्छी सब्जी मिलती है। लेकिन इतनी सारी सब्जी, पत्ते वाली सब्जी तो जल्दी खराब हो जाती है ना, फिर आप इतनी क्यों लेके आए? तो हरे साग आज बना लेंगे, बाकी कल परसों बना देंगे। हाँ, घर आप तो रोज बाजार जाते हैं ना, तो फिर एक साथ इतनी सारी सब्जी खरीद के लाने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, शायद उन्हें कल कहीं जाना होगा, उस हिसाब से लाए होंगे। हिसाब? महाराज जी, आपने हिसाब तो दिया ही नहीं। शायद आप आज का खर्चा बताना भूल गए। फल और साग सब्जी 490 रुपए में आए। अब दोनों अलग अलग बताइए ना, फल कितने में आए? फल 250 और बाकी में सब्जी आई है। और ये क्या क्या लेके आए हैं आप? तो जो बताना पड़ेगा। अब हमें छुट्टी चाहिए, अगर हमारा विश्वास ना है तो हम यहाँ काम ना कर सके। महाराज जी क्या हुआ? अरे आपने आज तक हमसे हिसाब ना लो, और नहीं बोलूंगा, हमेशा पाई पाई को हिसाब चाहिए, अरे तो हम ना कर सके काम। आप तो वो देख लो, हम तो चले अपने मथुरा। नहीं नहीं महाराज जी, माँ हिसाब मतलब मैं तो सिर्फ आज का खर्चा पूछ रही थी बस। आज तक एक पैसा इधर से उधर नहीं किया महाराज जी ने। मेरा ये मतलब नहीं था अक्षरा, महाराज जी हमारे घर के सदस्य है, सालों से हमारे साथ है, हम सब इनका कितना आदर करते हैं तुम जानती हो। तुम्हारे घर में हिसाब लिया जाता है, हमारे घर में नहीं। माँ मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आप ही ने मुझसे उस दिन कहा था ना कि सारे खर्चे का हिसाब रखना, इसीलिए। मैंने महाराज जी से हिसाब? तुमने आज तक मुझे या घर में किसी को भी महाराज जी से हिसाब लेते हुए देखा है? तो अक्षरा मैं तुम्हें कैसे कह सकती हूँ महाराज जी से हिसाब लेने को? नहीं महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने गलत समझा, मुझे लगा कि सारा खर्चा लिख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अक्षरा कुछ करने से पहले सोच लिया करो। ये सब हो क्या रहा है? क्या हो महाराज जी, अक्षरा ने क्या कह दिया आपसे? मुन्ना बहू ने महाराज जी से वो। हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया है, अक्षरा ने आपसे खर्चे का हिसाब पूछा, ये तो माँ ने उनसे कहा था ना करने के लिए कि उन्हें हर पैसे का पूरा हिसाब रखना चाहिए। नहीं मुन्ना मैंने ये नहीं कहा था। मैं जानता हूँ आपका मतलब महाराज जी से नहीं था, पर अक्षरा ने तो यही समझ लिया ना, जैसे दूध का हिसाब रखते हैं, धोबी के कपड़े का हिसाब रखना है, वैसे ही सब्जियों का भी हिसाब रखना है। महाराज जी अक्षरा के मन में आपके लिए कोई भी दुर्भाव नहीं है, और ना ही उन्होंने आपका कभी भी निरादर किया है, तो भला आप क्यों करेंगी? ये बात तो है। देखा गलतफहमी हो गई ना। यहां कोई भी आपसे हिसाब नहीं लेगा और ना ही लेना चाहता है, बस सुनने और कहने में थोड़ा फर्क आ गया। हम समझ गए मुन्ना। और ये भी समझ लीजिए महाराज जी, हम सबने जो जिम्मेदारियां नई बहू पर डाली हैं, वो उन्हें अच्छे से निभाना चाहती है, और कुछ नहीं, आप उन पर भरोसा रखिए, आखिर हम सब घर के सदस्य हैं, अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो ये सब कैसे होगा? महाराज जी उनकी मदद करने के बजाय अगर आप गुस्सा होकर बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा?
देखिए अक्षरा बहुत ही जल्द सब कुछ सीख जाएगी और किसी को शिकायत का मौका भी नहीं देगी। ना ना हमें अब कोई शिकायत ना। अरे हमारा माथा ही गर्म है यार। अरे हम यहाँ से जावे की बात हमारे मुंह से निकल गई। अब हम जा रहे हैं रसोई में, हमारे खाने के लिए वैसे बहुत देर रह गई है। बस इतनी छोटी सी बात, मैं कल से देख रहा हूं अक्षरा इतना परेशान क्यों है। मैंने उनसे पूछा भी पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अक्षरा को आपने जो जिम्मेदारी दी है वो तो विश्वास के साथ ही दी होगी ना। अक्षरा इतना घबरा जाती है कि क्या वो आपका दिया हुआ काम ठीक से कर भी पाएंगी या नहीं। आपकी जो उनसे इतनी उम्मीदें हैं वो डर जाती है कहीं वो आपको निराश ना कर दे। आपको बहुत मानती है माँ, आप उनको सब कुछ अपनी बेटी की तरह सिखा दीजिए, वो भी तो आपको अपनी माँ समझती है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना माँ। इनसे बिना मेरी पुरानी दुश्मनी है, हाथ लगाता हूं तो टूट जाते हैं नहीं तो कभी ये। थैंक यू तो मुझे आपसे कहना चाहिए। क्यों? आपने घर में गलतफहमी होने से बचा ली। वो तो मैंने सारी बातें क्लियर कर दी। मैं जानता था आपसे अनजाने में भूल हुई है, आपका इरादा महाराज जी को ठेस पहुंचाना नहीं था। हाँ नैतिक, अच्छा हुआ आपने बात संभाली वरना बिगड़ जाती। ऐसा हो सकता है कि मैं आपका साथ ना दूं? मैं जानता हूं अक्षरा आप जो जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रही हैं वो आपके लिए कितनी नई है। नया माहौल है और आपकी लगन देखकर मैं आपका जितना भी साथ दूं वो कम है। जो हाल आपका है ना वही मेरा भी है। दादाजी ने इतनी सारी जिम्मेदारियां डाल दी हैं कि मुझे लगता है कि उनकी मुझसे एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। कभी कभी तो खुशी होती है और कभी डर भी लगता है कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। आपसे कोई गलती नहीं होगी मैं जानती। कोशिश तो यही है पर अक्षरा कुछ दिन तक मैं काम में थोड़ा बिजी हो जाऊंगा, हो सकता है मैं आपको ज्यादा समय ना दे सकूं। जो नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया है मैं उसे बहुत ध्यान से करना चाहता हूं, अगर उसमें सफल हो गया तो दत्ता जी बहुत खुश हो जाएंगे। आप समझ रही हैं? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप बस अपना काम अच्छे से कीजिए, आपकी कामयाबी में ही मेरी कामयाबी है। और हाँ, जब आपका ये प्रोजेक्ट अच्छे से खत्म हो जाएगा ना फिर कुछ दिन के लिए मैं आपसे आपका सारा टाइम छीन लूंगी सिर्फ अपने लिए। डन। अब मेरी ओर यू प्यार से देखना बंद कीजिए वरना मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा।